भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। कैंटर चालक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारने के लिए पीछा किया, लेकिन गरिमत ये रही है कि वे बाल बाल बच गए। सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ियों को भगाकर उनकी जान बचाई। वहीं वारदात के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी शिकायत महम पुलिस थाने में दी गई। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के गनमैन हरदीप सिंह महम ने पुलिस थाने में शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि 12 सितंबर को राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा सिरसा में प्रत्याशी का नामांकन पत्र दाखिल करवाकर रात को करीब 8 बजे पुराना बस अड्डा महम पहुंचे, जहां जाम लगा हुआ था। जब वे सांसद की गाड़ी से उतरकर जाम खुलवाने के लिए गए तो एक कैंटर सड़क के बीच में खड़ा था। उसका चालक बदतमीजी से बात करने लगा। कैंटर चालक ने धमकी देते हुए कहा कि ज्यादा बकवास की तो कैंटर ऊपर चढ़ा दूंगा। गाड़ी का पीछा करके टक्कर मारने का प्रयास भी किया गया। गनमैन हरदीप सिंह ने कहा कि झगड़े का अंदेशा देख कार को साइड में किया गया और ट्रैफिक चलवाया। जब वे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को घर छोड़ने के लिए चले गए तो उनकी गाड़ी कैंटर के पीछे से गुजरी। इस दौरान कैंटर चालक ने गाड़ी की खिड़की को पकड़ने का प्रयास किया। इसके बाद गाड़ी को टक्कर मारने की नीयत से गाड़ी का पीछा किया गया। पीछे पीछे कैंटर दौड़ा लिया। जब वे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को सुरक्षित घर छोड़कर आए तो कैंटर चालक वहां से भाग गया, जिसके कारण नंबर नहीं दिखाया गया। वहीं पुलिस भी जो है जांच में जुटी हुई है। बहम थाना प्रभारी सत्यपाल ने बताया कि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी का टक्कर मारने की नीयत से उनका पीछा करने की शिकायत मिली है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अभी तक कैंटर चालक का पता नहीं चल पाया, लेकिन जल्द ही कैंटर चालक का पता लगाकर आगे की कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। कल मैं सरसा में भाजपा प्रत्याशी रोहदास जांगड़ा का नामांकन करवाने गया था और वहाँ नामांकन करवा के कार्यकर्ताओं की बैठक लेके और सारे प्रोग्राम वगैरह तय करके जब मैं वापस चला तो तकरीबन 8 बजे मैं उनके पुराने बस अड्डे के ऊपर लंबा जाम था। मेरे ड्राइवर ने काफ़ी हॉर्न भी दिए, हुटर भी दिए, जाम नहीं खुल रहा था तो मेरा गनमैन उतर के नीचे गया और आगे तक गया तो कोई कैंटर बीच में खड़ा था और उसने कैंटर वाले कहा भाई ये बदतमीजी है, बीच में खड़ा है, इतना लंबा जाम है, तो इसको बदतमीजी से वो बोलने लग गया जैसा इसने बताया। उनके लगा फल तो बकवास करी तो मैं कैंटर ऊपर चढ़ा दूँगा। तो इन्हें सोचा रात का वक्त है, झगड़ा है, सांसद गाड़ी में बैठे हैं, इसने साइड की ट्रैफिक को थोड़ा थोड़ा हल्का करवा के और हमें इशारा किया कि आगे गाड़ी ले आओ। और जैसे उस कैंटर के ड्राइवर के नज़दीक मेरी गाड़ी पहुँची तो गाड़ी तो आहिस्ता थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी और इसने खिड़की खोल के मेरे लिए बैठना शुरू किया गाड़ी में, तो उसने खिड़की को भी पकड़ा और बदतमीजी से कुछ बकता रहा। तो ये कह रहे बाबूजी चले रात का समय है, पता नहीं नशा कर रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। आगे हुए तो उसने एकदम कैंटर मतलब भगा के गाड़ी के हमारी गाड़ी के पीछे लगा दिया और यहाँ पर थोड़ी सी दूर तो है मेरा ये काठमंडी का टर्न और तो यहाँ पर हम टर्न करके काठमंडी की तरफ मुड़े तो उसने ज़ोर से आवाज़ भी लगाई। मैंने कहा कोई पीछे से आवाज़ लगा रहा है, बोला जी वही कैंटर वाला है, जाने दो सीधा चला जाएगा, हमें क्या है, क्यों रात को झगड़ा किया। और ये छोटी गली से मुझे जब अंदर ले आए, लेकिन वो तो अंदर भी मोड़ के ले आया कैंटर को और मेरे दरवाजे तक आ गया, दरवाजे तक आ गया तो मुझे ये छोड़ के हमें नहीं पता वो अंदर तक भी आ गया मोड़ के, इनके हमें तो चला गया सीधा। लेकिन जब वो अंदर तक भी आ गया और उतर के यहाँ तक भी आया तब ये भागे तो फिर वो वापस भाग के कैंटर को स्टार्ट था उसका कैंटर और फिर एकदम से स्पीड से वापस ले गया कैंटर को और वो रात को अंधेरे में ये नंबर वगैरह देख नहीं सके तो फिर वो चला गया। यानी उसके हौसला इतना, एक सांसद की गाड़ी उसने देख लिया कि AK-47 ले रहा है, गनमैन है और फिर पीछे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है मेरे मकान के सामने, आगे भी बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी उसकी हिम्मत मतलब उतर के भी आगे तक उसे आने की कोशिश की। लेकिन जब ये देखा भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर उतरा है तो उन्हें भाग के कैंटर छोड़ के वो स्टार्ट किया हुआ था और एकदम से बैक गियर लगा के तेज़ी से, अगर वो पीछे भी कोई होता तो भी एक्सीडेंट होता, लेकिन वो रात का समय था, मंडी में कोई था नहीं तो वो इस तरह से वो चला गया। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अब पुलिस को रात को ही मैंने IG साहब को अपने KK राव को भी बता दिया था कि ऐसे ऐसे घटना हुई है और रात को ही मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हो गई थी क्योंकि गुंडा एलिमेंट्स का काफ़ी हौसला बढ़ रहा है कि यहाँ तक कि एक सांसद के निवास तक वो गाड़ी को हिट करने के लिए आ सकता है तो इसके ऊपर कार्रवाई करो। तो उन्होंने भी पुलिस को कहा है, राव ने KK राव ने भी कहा है और पुलिस यहाँ से सारा नक्शा वगैरह बना के ले गई है और मेरे जो गनमैन हैं उसका बयान वगैरह ले के उन्होंने दरख्वास्त ले ली है
तो जल्दी उसको ट्रेस कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, पूरी तत्परता से पुलिस काम कर रही है। इस तरह से गुंडों का हौसला बढ़ना कि सांसद के निवास तक टक्कर मारने की कोशिश करे तो काफ़ी चिंता का विषय है। हमें तो दिन रात बाहर निकलना है, अब चुनाव का समय है, तो हम तो कभी रात को आएंगे, कभी आधी रात को आएंगे, कभी कभी आएंगे, तो हमारा तो ये रहेगा दिनचर्या 20 दिन तक। तो ये चिंता का विषय तो है, लेकिन जब मुख्यमंत्री से ऊपर तो कोई नहीं है, उनके भी संज्ञान में ला दिया है और आईजी के भी संज्ञान में ला दिया, एसपी से भी मेरी अभी बात हुई घंटा डेढ़ घंटा पहले, वो कह लगे हम इसको पूरी तरह से नैब कर लेंगे जल्दी ही, सब सीसीटीवी कैमरे हम खंगाल रहे हैं और बहुत जल्दी उस आदमी को गिरफ्तार करके हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। रात को कल लगभग 8 बजे की बात है शाम की, तो वहाँ से ही अपने एमपी साहब रामचंद्र जांगड़ा जी वो सिरसा से नामांकन भरवा के आए थे बीजेपी वालों का, प्रत्याशी का जिनको टिकट मिली हुई रोहतास जांगड़ा का, तो वहाँ से आ रहे थे। और करीब 8 बजे की बात है, यहाँ पे मैं पुराना बस अड्डा के पास एक वो कैंटर वाला कोई आगे खड़ा था, रास्ता जाम हो रहा था, और मैं गाड़ी में उतर के मैं जाम खुलवाने के लिए गया उसके पास, तो वो आया और माँ भाई भले आदमी क्या कर रहा है भाई, पीछे सारा रोड जाम हो रहा है, तेरे को क्या है ये है, तो थोड़ी मोटी जो भी है बहस होगी, माँ भाई तू जा ले जाए, इसने कुछ नहीं है, मैं कहा भाई एमपी साहब खड़े हैं पीछे, इतना तू सारा सवरिया नहीं परेशान कर रहा, आम आदमी परेशान हो रहा है। तो वो वहाँ से ये बात हुई, फिर वहाँ से मैंने साइड में ट्रैफिक निकलवा के और एमपी साहब की गाड़ी भी निकलवा दी, और मैं बैठने लग गया तो उसने खिड़की भी पकड़ने की कोशिश करी, मेरे ये क्या है फलान है, तो उसने थोड़ा मोटा जो भी है कोई शब्द बोले हैं, तो फिर मैं वहाँ पर चलो मामला निपट गया। रोड रास्ते में तो इतनी ही बातें होती हैं और क्या होता है भाई, ठीक है मामला वही क्यों वही रह गया अपने। तो मैं अपने एमपी साहब को लेके फ्लैट पे आ गया, तो पीछे पीछे गाड़ी लेके यहाँ तक आ गया, तो ये बातें हैं। फिर वो एमपी साहब को अपने रेजिडेंस पे छोड़ के वह सुरक्षित यहाँ ले के आ गए, और भाई फिर हमने देखा भाई ठीक है सारा मामला, फिर गाड़ी वाली तरफ मतलब देखने लग गया भाई ढूंढो उसको पेंटर वाले को कहाँ है, तो फिर उसको ढूंढने का प्रयास किया, मतलब तो दिखा नहीं, फिर गाड़ी भगा के ले गया वो। नशे कुछ नशा किया हुआ था गाड़ी वाला? नहीं नशा वैसे तो कुछ नज़र आ नहीं रहा था, मतलब जैसे बोल रहा था उसकी हरकतों से थोड़ा बहुत लगता था, वो भी शक कर भी रहा वो। तो फ्लैट तक पीछे आई है गाड़ी? हाँ फ्लैट तक आई है। तो अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई बस ये पुलिस ने अपने FIR दर्ज करवा दी, जो भी मामला था वो पेश कर दिया, अपने आईओ को बता दिया, अफसर वालों को बता दिया, आगे कार्रवाई पुलिस करेगी।